हेलो गाइस, यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जा रहे हैं आज दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के लिए ट्रेन है। पहले यहाँ से हम लोग जलपाईगुड़ी जाएंगे, न्यू जलपाईगुड़ी, एंड देन फ्रॉम देयर विल टेक टैक्सी एंड गो टू दार्जिलिंग। तो आप लोगों को भी साथ में लेके चलेंगे। तो कीप वॉचिंग टिल द लास्ट। ट्रेन आ गई है, वी आर रेडी टू हेड टू न्यू जलपाईगुड़ी। सभी के सुबह 4 बज रहे हैं और हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे आ गए हैं। तो अभी से हम लोग का जर्नी स्टार्ट होने वाला है। फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दार्जिलिंग। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दार्जिलिंग। गाइस, हम लोग टूर पैकेज के थ्रू जा रहे हैं दार्जिलिंग। वैसे आप लोग टैक्सी भी बुक कर सकते हैं न्यू जलपाईगुड़ी से लेके दार्जिलिंग तक का। आपको स्टेशन से टैक्सी मिल जाएगा, वहाँ टूरिस्ट हेल्प सेंटर है, तो फिर वहाँ से भी आप लोग टैक्सी बुक कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। गाइज, ये मेरी सबसे छोटी बहन है। व्यू मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। हाय कर दो गाइज को, बोलो हेलो। गाइज, अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आके रुके हुए हैं, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करेंगे और फिर हम लोग दार्जिलिंग के लिए निकलेंगे। या हम लोग चाय और मैगी नाश्ते में करते हैं। आप लोग को यहाँ दार्जिलिंग आके बहुत अच्छा लग रहा है। दार्जिलिंग के हिल्स की ये कुछ वीडियोस है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आ रही थी, जहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा था। माउंट कंचनजंगा भी यहाँ से दिख रहा है। अभी हम लोग कर्सेंग टाउन में हैं और ये अभी ग्राउंड लेवल से 7,700 फुट ऊपर है अभी हम लोग, और फिर यहाँ से नीचे जाएंगे जहाँ दार्जिलिंग है। ये दार्जिलिंग की स्पेशल ट्रेन है जो कि टॉय ट्रेन के नाम से जानी जाती है, एंड ये दो तरीके की होती है, स्टीम इंजन एंड डीजल। पहले वाली डीजल से चलती है एंड सेकेंड वन इज स्टीम इंजन वन, एंड दिस इज दार्जिलिंग स्टेशन। हम लोग होटल में आ चुके हैं और होटल में आने के बाद अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे, आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे आसपास की जगह में क्या है। एंड ये देखिए मेरी छोटी बहन को, इसका कार्टून स्टार्ट हो गया है गाइज यहाँ पे भी। गाइज, अभी हम लोग आए हुए हैं लंच करने के लिए महाकाल रेस्टोरेंट में। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है इस रेस्टोरेंट में। शॉपिंग करनी है तो आप ये रोड में आ सकते हैं। ये स्ट्रीट मॉल रोड में महाकाल रेस्टोरेंट वाले रास्ते में ही है। यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग आइटम्स होती है। यू कैन श्योरली गो एंड ट्राई दिस स्ट्रीट शॉपिंग। गाइज, ये नज़ारा देख के तो कर मज़ा ही आ गया। दिस इज द स्ट्रीट ऑफ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की स्ट्रीट्स की खूबसूरती कुछ और है गाइस। देखिए कितना मस्त लग रहा है। गाइस, आपको बैकग्राउंड में अभी कुछ चांद की आवाज़ के अलावे भी बीटल जो इंसेक्ट्स होती हैं उनकी आवाज़ आ रही होंगी। कितना सूदिंग पीसफुल है ये आवाज़, मतलब मज़ा आ गया सुन के। ऐसे ही नहीं, इसे क्वीन ऑफ हिल्स बोला जाता है गाइस। और ये सीनरी आप लोग ये देखिए, एक क्वीन ऑफ हिल्स की खूबसूरती, बिल्कुल पहाड़ टच करके जा रहे हैं बादल। गाइज, अभी हम लोग महाकाल मंदिर में जा रहे हैं और ये पूरा पहाड़ पे बना हुआ है। देखिए पूरा नीचे की ओर से, पूरा नीचे से होते हुए पूरे ऊपर तक जाना है हम लोगों को। ऊपर जाके दिखाते हैं कि मंदिर कैसे ऊपर है। गाइज, ये है महाकाल मंदिर। देखिए दार्जिलिंग महाकाल मंदिर। गाइज, ये सब क्या टंगा हुआ है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। मुझे नहीं पता कि ये क्या है। गाइज, पहले हमें अपना जूता उतार के इधर रखना है, एंड देन हम लोग जा सकते हैं जहाँ की मेन महाकाल मंदिर है। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ रीचिंग महाकाल मंदिर। फाइनली आई हैव रीच्ड महाकाल मंदिर। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर मंदिर है। बट ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या लगा हुआ है। ये अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दिस इज इंटरनल व्यू ऑफ महाकाल मंदिर। गाइस, अभी मंदिर के अंदर मुझे टीका मिली है और ये देखिए प्रसाद भी मिला है। तो अभी मैं इसे खाऊंगी, बट अंदर नहीं, बाहर जाके मंदिर। फाइनली हम लोग महाकाल मंदिर से
वापस नीचे उतर रहे हैं, हमारा पूजा कंप्लीट हो चुका है और चलिए आगे क्या होता है दिखाते हैं आप लोग को। और स्पेशली कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। जी बिल्कुल, तो हम लोगों की पूजा यहाँ पे हो चुकी है। मम्मी आपको महाकाल मंदिर विजिट करके कैसा लग रहा है? महाकाल मंदिर बहुत अच्छा लगा, मंदिर बहुत ऊंचाई पर है, चढ़ने में तो बहुत कठिनाई हुआ और महाकाल बाबा से दर्शन हुआ। दुर्गा जी के मंदिर है, संतोषी माता के मंदिर है, गणेश जी के मंदिर है और 11 गो शिवलिंग है और यहाँ बहुत अच्छा लगा, शांति बहुत है। उतरने में बहुत आसान लग रहा है, उतरने में भीड़ नहीं पड़ रहा है जितना चढ़ने में कष्ट हो रहा था। और महाकाल जी से दर्शन करने में बहुत अच्छा लगा, महाकाल बाबा से दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, पूरा परिवार संग है महाकाल मंदिर जाने में बहुत अच्छा लगा। कई जो सेल्फी पॉइंट आपको महाकाल मंदिर के सामने मिलेगी, तो अगर आपको सेल्फी लेना है तो आप यहाँ पे भी आके ले सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे फोटोज क्लिक कराने के लिए। ये स्ट्रीट मुझे इंडिया का कम और फॉरेन का स्ट्रीट ज़्यादा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीन आया है। गाइज यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है एंड मेरी ये बहनें हॉर्स राइडिंग कर रही हैं। यहाँ मॉल मार्केट में झालमुड़ी मिल रही थी तो मैंने झालमुड़ी लिया है खाने के लिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एंड लेट्स सी कि दार्जिलिंग का झालमुड़ी कैसा लगता है। मैंने टेस्ट किया गाइस, बहुत टेस्टी था। ये मॉल मार्केट के ही कुछ शॉप्स के समान है। अगर आप दार्जिलिंग जा रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें इन शॉप्स में क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एंटीक पीसेस थी। गाइस ये आज हम लोगों का फर्स्ट डे था दार्जिलिंग में, तो बहुत ही अच्छा गया आज का दिन। If you like this video, then do like my video, subscribe to my channel and hit the bell icon to get all the notification of my videos. Till then, bye bye. See you next time.